दोस्तों नमस्कार। देखिए स्लिप गंधक का तेल बना लेने से काम नहीं होगा। ये जो सामने में रखा हुआ है ये आलसी आलसी का तेल का साथ मैंने गंधक का तेल बनाया था। ये देखिए ये देखिए, ये देखिए पूरा लाल कलर का गंधक का तेल बना है। ये तो बहुत सुंदर अलसी का तेल का साथ में ये गंधक का तेल बना है। जो इसका क्रिया था ये अलसी का तेल का साथ में आग देके बनाने का था, तो उससे मैंने बनाया है। लेकिन ये बिल्कुल काम ही नहीं करता है क्योंकि गंधक को आग लग चुका है। गंधक को आग लगेगा तो तेल तो बनता है लेकिन वो कोई काम का नहीं रहता है। ये देख लीजिए, तो इसको मैंने तांबा का प्लेट में चेक भी किया था तो कुछ भी नहीं होता है। ये कलर तो छोड़ दीजिए, कुछ होता ही नहीं है। लेकिन एक बात है, गंधक फायर प्रूफ हो जाता है, उसमें आग नहीं लगता है और तांबा का प्लेट को जलाता नहीं है। तो ये देखिए, इसको देखिए, ये मैंने ये वाला आलसी का तेल का साथ जो गंधक का तेल बनाया है, ये गंधक का तेल देके फिर मैंने इसमें आपका जो गंधक बनाया था नमक का तेल का साथ में उसको मिक्स करके तब मैंने दिया, तो इस टाइप का हुआ है। ये देखिए, ये भी आग नहीं लगता है, फायर प्रूफ है। तो ये थोड़ा कन्वर्ट हुआ है, ये देख लीजिए। किसी भी तरीका से आप गंधक का तेल बनाइए, गंधक का तेल तो छोड़िए, गंधक ही बनाइए किसी भी तरीका से। अगर गंधक में आग लग गया तो वो गंधक कोई काम का नहीं रहेगा, वो काम नहीं करता है। आग लग गया तो कोई काम नहीं करेगा, अगर आग नहीं लगा तो वो काम करेगा। ये जो मीठा सोडा का साथ में करने का प्रोसेस था, मीठा सोडा का साथ बराबर वजन मिला के फिर उसको कोई बर्तन में, मिट्टी का बर्तन में दे के कपर मिट्टी करके आग दे के उसको 6 घंटा पकाने का जो प्रोसेस है, उसमें भी अंत में जाके जब हीट होता है तब गंधक में आग पकड़ लेता है। आप कुछ भी करिए, गंधक को आप रोक नहीं सकेगा, गंधक में आग लग ही जाएगा, गंधक जलेगा, जल जाएगा तो कोई काम नहीं होगा। तो ये जो प्रोसेस से मैंने तेल निकला है ये भी बेकार है, काम नहीं करता है। और ये जो आपका पाताल यंत्र कहा जाता है, पाताल यंत्र से जो तेल निकाला जाता है उसको भी मैंने कुछ साल पहले टेस्ट किया था। अंडा का जर्दी जर्दी वाला फॉर्मूला, तो अंडा का जर्दी का साथ में अंडा का जर्दी का साथ में गंधक का खरल करना है। कम से कम आपका 6-7 अंडा का जर्दी दे देना है, देके उसको खरल करते रहना है। अभी आपका गंधक कितना है उसी हिसाब से होता है, माने एक जर्दी देना है खरल करते रहना है, सूख गया तो और एक जर्दी देना है खरल करते रहना है, सूख गया ऐसा ऐसे करके देते रहना है। जब देखेगा अभी और जर्दी इसमें नहीं खाएगा तब और जर्दी मिक्स नहीं करना है। उसका बाद इसको छाया में सुखाना है, हल्का सा सुखा लेना है, गोली बनने का लाइक करना है, फिर इसको गोली बना लेना है, छोटा छोटा दाना गोली बनाना है, फिर पाताल यंत्र से तेल निकालना है। वो भी मैंने करके भी देखा था, वो भी कोई काम नहीं है क्योंकि उसको करने के लिए, पाताल यंत्र करने के लिए कोई हांडी कोई बोतल बा कुछ जुगाड़ बना के किया जाता है। उसको जो भी करने से भी गंधक में जाके अंत में आग लग ही जाता है। गंधक में आग लग गया तो गंधक बेकार हो गया, वो काम नहीं करेगा। और पाताल यंत्र में भी आग लग जाता है, वो भी कोई काम का नहीं है। अभी बचा क्या, कौन सा तरीका से गंधक का तेल बनाने से काम करेगा। आज का वीडियो इसीलिए मैंने बनाया था, सब मैं बारी बारी बता रहा हूँ, मैं करके देख भी रहा हूँ और जो मैंने करके देखा है वो भी मैं बता रहा हूँ। ये कोई हवा में बोलने वाला बात नहीं है, मैंने खुद टेस्ट किया है, करके देख रहा हूँ, इसलिए मैं बता भी रहा हूँ। तो देखिए अभी कौन सा तरीका बच गया गंधक का तेल बनाने के लिए,
पाताल यंत्र तो फेल हो गया, और ये आग लगा के निकालने वाला ये भी फेल हो गया, कोई काम नहीं है, तो अभी बचा कौन सा? एक ही बचता है, सिर्फ एक तरीका ही अंत में बच जाता है, जिसमें आग लगने का तो सवाल ही नहीं होता है, उसमें तो आग लगेगा भी नहीं, लेकिन उसमें समय लगता है, आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी लग सकता है तेल बनने के लिए। वो तरीका अभी मैंने उसको आजमाया नहीं है, एक बार मैंने कोशिश किया था, एक पूरा गोटा दिन मैंने पूरा दिन मैंने आग दिया था, बाद में अशांति लग गया, आग देते देते अशांति लग गया, बाद में उसको मैंने छोड़ दिया और दोबारा मैंने किया नहीं है। वही फॉर्मूला मेरा हिसाब से, मेरे ख्याल से सही होगा, उसी से तेल गंधक का बनेगा और वही काम कर सकता है, क्योंकि सब मैंने करके देख लिया, अभी एक ही बचा हुआ है, तो वो है जल मुद्रा। जल मुद्रा जो है वो तो जल में पकाया जाएगा, तो जल में आग कैसे लगेगा? जल में तो आग लगेगा नहीं, जो पानी होता है, पानी में जो पकाएगा, कोई बोतल में गंधक का प्रोसेस करके, गंधक को बोतल में डाल के उसको पानी में लटका के जो पकाया जाता है जल मुद्रा, उसमें तो आग लगने का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन उसमें समय लगता है, 3 दिन 4 दिन ऐसा ऐसा समय लगता है। अब दिन रात आग देते ही रहना होगा, हल्का हल्का इसको हल्का सा उबाल रहना है और उसको देते ही रहना होगा। यही एक तरीका बचा हुआ है गंधक का तेल काम कराने वाला, गंधक का तेल बनाने के लिए वही तरीका बचा हुआ है, और बाकी कुछ भी तरीका कोई भी काम नहीं है। सब मैंने बारी बारी कर कर के दिखाया भी है और बारी बारी आप लोग को बताया भी है। अब इसलिए वही बचा हुआ है जल मुद्रा। तो अभी मैं अगर जल मुद्रा का प्रोसेस करूँगा तो वो भी मैं बताऊँगा। तो सब तो विफल हो गया, फेल हो गया, कुछ भी बचा नहीं। गंधक में आग लग गया तो गंधक काम नहीं है, गंधक को आग से बचाना है। दिमाग में घुसाइए आप लोग भी जो मेरा वीडियो देख रहा है, दिमाग में घुसाइए, कुछ भी तरीका करिए, गंधक को आग से बचाइए। अगर आग से बच गया तो आपका काम 100% बन जाएगा। और तेल बनाने के बाद ये जो मैंने करके दिखाया ये तो सबसे आसान तरीका है, आसानी से तेल बन भी जाता है, कुछ भी कर लीजिए, आसानी से आग लगा दीजिए, नीचे से तेल जो पिघल पिघल के गिरते रहेगा वही तेल बन जाता है। सीधा सा फॉर्मूला है, लेकिन कोई काम नहीं है। या आप आपका आयुर्वेदिक में इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन हम लोग का लाइन में ये इस्तेमाल का लायक ही नहीं है, क्योंकि इसमें आग लगा हुआ है, आग लगा वाला चीज़ काम नहीं करता है। जल मुद्रा वाला सही है, वो पक्का है, वो काम करेगा होगा। मैं भी अभी जल मुद्रा का प्रोसेस ही करूँगा। आप लोग भी अगर कोई सोच रहा है जल मुद्रा के बारे में तो आप लोग भी करके देख सकता है जल मुद्रा वाला। लेकिन ये जो जो मैंने बताया ये सब आप लोग भी करके अपना पैसा और टाइम बर्बाद मत करिएगा, क्योंकि मैंने करके देख लिया ये सब बेकार नहीं होता है, ये कुछ भी तरीके से करिए नहीं बनेगा, काम नहीं करेगा। ये जल मुद्रा वाला ही आखिरी बचा हुआ है रास्ता, उसी को अगर कोई सोच रहा है तो करके देख सकता है, जल मुद्रा वाला वही काम करेगा, मैं भी करूँगा। कमेंट में बताइएगा मेरा जल मुद्रा वाला फॉर्मूला कैसा है, तो उसको करने से सही होगा कि नहीं होगा, ज़रूर बताइएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।